उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के अंदर जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। और आज इस खेल में, जैसा हमने पहले ही आपको आज एक रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो कई अलग अलग कोण बने हुए हैं, उन कोणों में किस तरह का घमासान चल रहा है और कैसे एक दूसरे को मात दी जाए, इसके लिए सियासी दांवपेच लगाया जा रहा है। आज जो अपडेट है वो खबर यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिनका आज जन्मदिन भी है, उन्होंने आरसीपी सिंह के ऊपर एक और दांव खेल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि स्पेशल स्टेटस का मसला जो है वो जेडीयू की पुरानी मांग रही है। स्पेशल स्टेटस बिहार को मिले, इसके लिए जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी पहल की थी। और आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी स्पेशल स्टेटस की मांग वो उठाया करते थे। हालांकि ललन सिंह ने यह जरूर कहा है कि अब ये मांग आरसीपी सिंह क्या भूल गए हैं या उनको याद नहीं है, इस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। आरसीपी सिंह फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और इस वक्त वो विशेष दर्जे के सवाल पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। यह पूछा गया ललन सिंह से कि क्या आरसीपी सिंह का झुकाव अपनी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रहा है। ललन सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो आरसीपी सिंह है वो जेडीयू कोटे से ही केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। मतलब पहले वो जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के नेता हैं और इसके बाद इसी नाते उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी सरकार में मंत्री का पद मिला हुआ है। यानी ललन सिंह ये बता रहे थे कि आरसीपी सिंह भले ही इस मुगालते में रह रहे हों कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब है, लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अगर नहीं होती तो उनका वजूद केंद्रीय कैबिनेट में नहीं होता। आरसीपी सिंह को लेकर के ये भी पूछा गया ललन सिंह से कि क्या वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। जवाब आया, प्रदेश नेतृत्व यानी उत्तर प्रदेश में पार्टी इकाई अगर नेताओं की डिमांड करेगी तो नेताओं को जाना होगा। लगातार हम आपको जो खबर बता रहे हैं उसमें हमारे पास ये अपडेट है कि जेडीयू का वो खेमा जो आरसीपी सिंह के विरोध में कहीं ना कहीं अंदर काम करता है, वो लगातार मांग कर रहा है कि आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी भूमिका दी जाए, उनको चुनाव प्रभारी बना दिया जाए। और वो आरसीपी सिंह जो इस वक्त बीजेपी के ज्यादा करीब दिख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल स्थिति हो जाए, असहज स्थिति हो जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो केंद्र सरकार के बीजेपी के मंत्रियों के सामने ही ताल ठोकते नजर आए। विशेष दर्जे के सवाल को लेकर के ललन सिंह ने एक बार फिर अपनी राय जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि बीजेपी की क्या मजबूरी रही कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमारे साथ अलायंस नहीं किया, यह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, लेकिन हम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते थे। ललन सिंह ने इस बात को भी कहने में संकोच नहीं जताया कि बीजेपी का स्वरूप बदल चुका है, यह अटल और आडवाणी का दौर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में व्यापक सोच वाली पार्टी हुआ करती थी, वो गठबंधन में शामिल घटक दलों को सम्मान देते थे। यानी कहीं ना कहीं मौजूदा जो परिस्थितियां हैं जेडीयू और बीजेपी के संबंधों के बीच, उन परिस्थितियों पर भी ललन सिंह ने व्यंग कसा है, तंज कसा है। क्या रिश्ते वाकई बिगड़ रहे हैं, क्या यूपी चुनाव की जो खलिस है वो धीरे धीरे बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों के बीच ज्यादा दिखेगी, क्या आरसीपी सिंह को लेकर के जो अगला दांव खेलने की तैयारी है वो पार्टी के अंदर उसके लिए कदम बढ़ने लगे हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का अपडेट आपको अलग अलग खबरों के जरिए हम देते रहेंगे। हमारी खबर आपको फर्स्ट बिहार तक कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।